हरजस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं हरविंदर सिंह शहीद करतार सिंह सराभा याद करदा उन्होंने उपर विशेष प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। शहीद करतार सिंह सराभा हथां किरत ते पैरां नूं उदासियां दा आशीर्वाद लैके घरां तों ही तुरना पंजाबियां दे हिस्से मुढ़ तों ही रहा है। समा कोई भी होवे हालातां मुताबक कारण जो भी होण पर पंजाबियां ने हमेशा अपना सफ़र अणखां दे साफे बन के चढ़दी कला दे नाल ही तय किया। अज असी एक अजिहे ही तूफान दे शाह असवार की गल सांझी करांगे जिसनूं उहदे जमाती कदे उड्डणा सप भी कहा करते सन। इहो उड्डणा सप भारत में सब तो निक्की उम्रे जहाज़ चलाउण दा माण खट के अगे जा के बाल जरनैल होण दा रुतबा पाउंदा है। इस बाल जरनैल का जन्म 24 मई 1896 नूं लुधियाणा जिला के पिंड सराभा विखे पिता सरदार मंगल सिंह दे घर माता साहिब कौर की कुखों होया। पिंड सराभा का नाँ पढ़द्या सरदार करतार सिंह सराभा का नाँ तुहाडे दिमाग में अपने आप जरूर आ जाएगा। अज असी उसे सरदार करतार सिंह सराभा बारे गल करांगे जो बाद विच गदर लहर का निक्की उम्रे एक महानायक हो निबड़िया। सराभे का परिवार अपने जमाने दे विच पढ़िया लिखिया ते सरदा पुजदा परिवार सी। करतार सिंह दे तीन चाचे सन सरदार बिशन सिंह डॉक्टर वीर सिंह ते बख्शीश सिंह चंगियां नौकरियां दे उत्ते लगे हुए सन। सराभे दे बाप सरदार मंगल सिंह दी सराभे दे बचपन विच ही मौत हो गई सी। सरदार करतार सिंह सराभे दी भैण दा नां धन कौर सी। परिवार वल्लों 8 साल दी उम्रे करतार सिंह नूं पिंड दे ही प्राइमरी स्कूल दे विच पढ़न पाया गया। 4 जमातां उसने उत्थे ही पास कीतियां। अगे 5वीं दी पढ़ाई वर्नाकुलर स्कूल गुजरांवाला दे विच कीती। 1910-1911 दे दौरान करतार सिंह अपने चाचे बख्शीश सिंह कोल चला गया जिथे उसने 10वीं पास कीती। करतार सिंह पढ़ाई विच शुरू तो ही बहुत होशियार सी। उसके दादा जी उसनूं उच्चे अहुदे ते देखना चाहुंदे सन, इसलिए उसके दादा जी ने उचेरी पढ़ाई लई उसनूं अमरीका भेज दिता। उत्थे उसने कैलीफोर्निया यूनीवर्सिटी बर्कली दे विच रसायनिक विज्ञान की पढ़ाई शुरू कर दिती। इस समय अमरीका ते कनेडा दे विच चौखी गिणती दे विच हिंदुस्तानी ते खास करके सिख पहुँच चुके सन। गदर लहर का मुढ़ बढ़ रहा सी। देश विच भारतीयां दे नाल हुंदे वितकरे नूं देख के उसकी रूह कुरला उठी ते उह दिन रात भारत नूं आज़ाद करवाउण दे सुपने लैण लगा। अमरीका विच वसदे हिंदुस्तानियों ने 1913 ईस्वी दे विच गदर नां दी एक पार्टी बनाई जिस पार्टी दे प्रसिद्ध देश भगत सोहण सिंह पकना अते सकत्तर लाला हरदयाल सन। करतार सिंह सोहण सिंह पकना नूं मिलिया ते इस पार्टी लई तनदेही दे नाल काम करना शुरू कर दिता। करतार सिंह इस पार्टी दे विच बहुत जल्दी हरमन प्यारा हो गया। इस पार्टी का केंद्र सान फ्रांसिस्को बनाया गया अते इसने देश की आज़ादी की लड़ाई के प्रचार हित उर्दू ते पंजाबी गदर नां हेठ हफ्तावार अखबार कढ़िया। ये हैरानी की गल है कि यह भावें सहवान ही वापरिया पर इन्हां दिनां दे विच उह सरकारी सूईयां दी नज़र दे विच आ गया। हिंदुस्तान सरकार दे खुफिया महकमे दे डायरैक्टर ने हिंदुस्तान दी वर्तमान राजसी हालात बारे 14 मई 1914 नूं हिंदुस्तान सरकार वल भेजी रिपोर्ट विच उसदा नां जिक्र कीता। इस अखबार नूं लिखण ते प्रकाशित करन लई कमेटी दे मुखी लाला हरदयाल करतार सिंह सराभा अते श्री रघुबर दयाल गुप्ता सन। सराभा दियां देश प्रेम दियां उचेरियां भावनावां नूं देखदियां गदर पार्टी ने कैलीफोर्निया दे विच एक मीटिंग करके उसनूं प्रबंधक कमेटी मैंबर चुनिया गया। सराभा अते उहनां दे साथियों ने भारत के उत्ते काबज बरतानवी हकूमत नूं उखाड़ सुट्टण लई अमरीका अते कनेडा दे विच वसे भारतीयों नूं एकजुट करन दा काम कीता सी। उंज तां गदर पार्टी की योजना 1913 विच ही बन गई सी पर इसनूं 21 फरवरी 1915 ईस्वी नूं लागू करन दा फैसला किया गया। अंग्रेज़ हकूमत अपने एक झोली चाक कृपाल सिंह नूं पार्टी दे विच शामिल करन दे विच कामयाब हो गए ते उसने सारी रिपोर्ट सरकार नूं भेजनी शुरू कर दित्ती। इस तरह 21 फरवरी वाला गदर फेल हो गया। 19 फरवरी नूं सरकार ने बहुत सारे क्रांतिकारी गिरफ़्तार कर लए पर करतार सिंह सुर सिंह दा जगत सिंह अते हरनाम सिंह टुंडी लाट बच के काबुल विच निकल गए।
परंतु उक्त तीनों जदों अपनी मुहिम नू जारी रखण लई पंजाब परत रहे सन तां पुलिस ने 2 मार्च 1915 नू शाहपुर जिले विच विलसनपुर विखे 12वीं घोड़सवार फौज के जवानों वरगलाउण दे उद्देश दे नाल आया नू गिरफ्तार कर लिया। सराबे वालों अपने बचा लई कोई वकील भी नहीं किया गया। जदों बगावत के दोष अधीन करतार सिंह सराबा ते मुकदमा चल रहा सी तां उसने तमाम दोषां दी समुची जिम्मेवारी अपने उपर लै ली अते ये सब सुन के जज हक्का बक्का रह गया कि एक 19 सालां दी छोटी उम्र का मुछ फुट गभरू इन्नी निडरता दे नाल व्यवहार कर रहा सी। करतार सिंह दी निक्की उम्र नूं ध्यान विच रखदिआं जज ने नौजवान नूं अपने बयान विच सोध करन दी सलाह दित्ती, पर नतीजा इस दे विपरीत होया। करतार सिंह ने इस दे उल्ट होर भी दृढ़ता दे नाल बयान दिता अते पूरी साजिश की जिम्मेवारी खुद ही ले ली। इस दे आधार ते उसनू मौत की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट की कार्रवाई दिखावा मात्र सी, जिसका अंदाजा इसे गल तो लाया जा सकता है कि इस केस दे विच अदालत ने फैसले दे विरुद्ध कोई भी गदरी अगे अपील नहीं कर सकता सी। गदरियां वालों केस की पैरवी कर रहे वकील रघुवीर सहाय ने 24 गदरियां नू फांसी की सज़ा का मुद्दा वायसराय दे कोल उठाया अते कौंसल दे मैंबर सर अली इमाम नू कानूनी पैंतरियां दी नज़रसानी तो बाद 24 गदरियां दे विचों 17 गदरियां दी फांसी दी सज़ा तोड़ के सजाए काले पानी कर दित्ती। सर अली इमाम ने सराबे दी फांसी दी भी उम्र कैद दे विच तब्दील करवाउण लई बहुत जद्दोजहद कीती, क्योंकि सराबे दी उम्र उस वेले सब तो घट सी, पर वायसराय ने अपील खारज कर दित्ती। कोर्ट के जजा वालों सराबे बारे सब तो वध 7 पन्नियां का फैसला लिखा गया, जिस विच उसनू सब तो वध खतरनाक दस्या गया। फैसले विच अहम गल ये लिखी गई सी कि गदर की अजिही कोई भी घटना नहीं है जिस विच सराबा शामिल ना होवे। 16 नवंबर 1915 नूं 19.5 साल के जवान करतार सिंह सराबा नूं उन्हां दे 6 होर साथियां बख्शीश सिंह जिला अमृतसर, हरनाम सिंह जिला सियालकोट, जगत सिंह जिला लाहौर, सुरैण सिंह 1 अते सुरैण सिंह 2 दोनों जिला अमृतसर अते विष्णु गणेश पिंगले जिला पूना दे नाल लाहौर दी सेंट्रल जेल दे विच फांसी चढ़ा के शहीद कर दिता गया। कहा जा सकता है कि 1857 दे बाद आज़ादी दी दूसरी हथियारबंद कोशिश सी जिस दे विच 200 तो ज़्यादा लोग शहीद होए, पर इस नाल आज़ादी दे उद्देश नूं बल मिलिया। करतार सिंह सराबा अपनी बहुत छोटे जिहे राजनीतिक जीवन दे दलेराना कम्मां दे कारण गदर पार्टी दे लोक नायक दे रूप विच उभरिया। भगत सिंह उस नूं अपना आदर्श मंदा सी। कहा यह भी जांदा है कि भगत सिंह करतार सिंह सराबे दी फोटो अपनी जेब दे विच रखदा सी।